लक्षद्वीप अब सभी का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है, जो कि भारत के मैप पर कई छोटे डॉट्स के रूप में अरब सागर में देखने को मिलता है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरट्टी है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए आपको अपने शहर से आना होगा केरला के कोच्चि शहर में, जहां से आपको मिलते हैं लक्षद्वीप तक पहुंचने के दो ऑप्शन, पहला बाय फ्लाइट और दूसरा बाय शिप। लेकिन इन दोनों ही केस में आपके पास एंट्री परमिट होना चाहिए और बिना परमिट के आप लक्षद्वीप नहीं घूम सकते। परमिट कैसे मिलता है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। चेक इन का जो प्रोसीजर है वो हो गया है और ये रही एलियांस एयर की फ्लाइट और यही फ्लाइट जाती है अगाटी आइलैंड के लिए। तो इसी से मैं जा रहा हूँ और बाकी यहाँ पे 16-17 नंबर काउंटर है जिस पर ये फ्लाइट है। एक जो चीज़ इन्होंने बताया कि ड्रोन अलाउड नहीं है, कुछ लोगों का कहना था अलाउ है, कुछ का कहना है नहीं अलाउ है। हालांकि ड्रोन मैंने लिया नहीं है तो मेरे को पूछा है स्पेशली, तो ड्रोन वगैरह अलाउ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आप बिना परमिट के अगाटी आइलैंड में ही जा सकते हैं, ये परमिट आपको चेक इन के टाइम में मांगते हैं। और मैं चूँकि ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जा रहा हूँ तो इनविटेशन भी आपको चाहिए होता है, विदाउट इनविटेशन आप नहीं जा सकते हैं। लक्षद्वीप में केवल एक एयरपोर्ट है जो कि यहाँ के अगाटी आइलैंड पर है और यहाँ के लिए फ्लाइट आपको कोची के एयरपोर्ट से मिलती है, जो छोटी फ्लाइट होती है और ये आपको 5,000-6,000 रुपए में वन वे की मिल जाती है। वही अगाटी तक पहुँचने में आपको 1-1.5 घंटे तक लगते हैं। अगाटी आइलैंड का एयरपोर्ट काफी छोटा सा है और यहाँ पहुँचते ही आपकी परमिट चेक होती है, जिसके बाद आपको आइलैंड पर एंट्री मिलती है। वहीं अगर आप बाय शिप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग वेबसाइट www.luckport.utl.gov.in से कर सकते हैं। फिलहाल शिप हर दिन नहीं चलती और इसका शेड्यूल भी आप वेबसाइट पर ही देख सकते हैं। और ये रहा टिकट और जिस पे सब लिखा होगा आपका क्लास और बर्थ और सारी डिटेल्स इस पर होगी। तो अब यहाँ से इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा सिक्योरिटी चेक इन का, तो मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ कई अलग अलग आइलैंड्स के लिए कई अलग अलग शिप चलती हैं, जिसका फेयर मैं आपको बताऊंगा। इस शिप में अलग अलग क्लास होते हैं और अगर आप सबसे लोअर क्लास यानी कि बंक बेड में जाते हैं तो लक्षद्वीप की कैपिटल कवरट्टी तक जाने के लिए आपको लगभग 1,500 रुपए तक देने पड़ते हैं। वहीं सेकंड क्लास का लगभग 3,810 रुपए, फर्स्ट क्लास का 5,820 रुपए और वीआईपी का 10,610 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ये कॉस्ट टूरिस्ट के लिए है, पर अगर लोकल्स को बंक बेड में जाना हो तो 330 रुपए ही देने पड़ते हैं। शिप के अलग अलग रूट के फेयर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। अब जानते हैं लक्षद्वीप में घूमने के लिए आपका क्या प्लान हो सकता है। यहाँ के लिए आप अपने पास कम से कम 4-5 दिन जरूर रखें। पहले मैं आपको फ्लाइट का प्लान बताऊंगा और फिर शिप का। पहले दिन आप कोची से अगाटी आइलैंड की फ्लाइट लेंगे जो आपको दोपहर में अगाटी आइलैंड पहुंचा देगी। इसके बाद आप होटल में चेक इन करेंगे और इवनिंग में यहाँ के बीचेस पर घूम सकते हैं। दूसरे दिन आप अगाटी में ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कि स्कूबा और स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और ग्लास बॉटम बोट की राइड भी ले सकते हैं और फिर अगाटी आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगाटी में मुझे मिल चुकी है स्कूटी और आप भी यहाँ पर स्कूटी हायर करके गोवा वाले स्टाइल में यहाँ पे घूम सकते हैं और अपने मन से जहाँ चाहें जा सकते हैं। तो स्कूटी मिल गई है और ये आपको 300-500 रुपये की रेंज में यहाँ पर मिल जाएगी। आप अपने रिजॉर्ट वालों से मांग सकते हैं या फिर लोकल भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। पेट्रोल का भी मैं बताता हूँ, कुछ अलग सिस्टम है यहाँ पर। वहीं इवनिंग में आप यहाँ के कालपेत्ती आइलैंड विजिट करेंगे जहाँ 15-20 मिनट में आप बाई बोट पहुँच जाते हैं और यहाँ आपको लिविंग कोरल्स और समुद्री जीव देखने को मिलते हैं और यहीं पर होता है प्यारा सा सनसेट। तीसरे दिन आप अगाटी से बंगाराम आइलैंड के लिए जा सकते हैं जो पूरा गवर्नमेंट का आइलैंड है और स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। बंगाराम का आ गया और आते ही आप का स्वागत होता है इस रिजॉर्ट में, बंगाराम रिजॉर्ट के नाम से ही है।
यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर केवल मस्ती होती है। वो आपने मूवी देखी होगी हाउसफुल, शायद 2 थी या 1 थी, आई डोंट नो, याद नहीं है। उसमें अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम लड़ाई करते रहते हैं और लड़ते लड़ते एकदम से पहुँच जाते हैं कुछ ऐसी जगह पे, रिजॉर्ट पे। तो ये वो जगह नहीं है, लेकिन आपको वैसा ही दिखेगा यहाँ पे पूरा एटमोसफियर। सो आ गया है, चलते हैं। और पूरे लक्षद्वीप में आपको केवल यहीं पर अल्कोहल मिलती है। यहाँ पर दिन में यूं ही बीच पर घूम सकते हैं, फिर लंच करें और इवनिंग में समुद्र के ठहरे पानी से होते हुए सैंड बैंक में टाइम बिता सकते हैं, जो कपल के लिए बेस्ट प्लेस है। वहीं नाइट में आप बीच पर रोमांटिक डिनर भी कर सकते हैं। चौथे दिन आप वापस अगाटी के लिए जाएंगे और अगाटी से वापस कोची बाई फ्लाइट जाकर आपकी ट्रिप एंड होगी। पूरे लक्षद्वीप में फिलहाल मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है और कॉल भी ठीक से नहीं लगती, और BSNL का नेटवर्क यहाँ पर सबसे ठीक काम करता है। लेकिन लक्षद्वीप सेफ प्लेस है और चाहे गर्ल्स हो या फैमिली, यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं। लक्षद्वीप क्योंकि एक आइलैंड है और यहाँ पे सारी चीज़ें कोची से एक्सपोर्ट होके आती है, तो यहाँ पे अगर आपके पास में व्हीकल है तो बहुत आसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप पेट्रोल ले लें। जिस तरह से राशन कार्ड होता है, जिस तरह से आधार कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है ये पेट्रोल कार्ड। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ मुझे मिली, तो मुझे लगा आपके साथ भी मुझे शेयर ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे पेट्रोल कार्ड होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है, और आपके एक व्हीकल पे आप 10 लीटर से ज़्यादा एक महीने में पेट्रोल नहीं ले सकते, वो भी हाफ ऑफ करके। मतलब इनिशियल जो 15 डेज है उसके लिए आपको 5 लीटर मिलता है और नेक्स्ट के लिए 5 लीटर, इस तरह से 10 लीटर पेट्रोल मिलता है इस पेट्रोल कार्ड के थ्रू। और इस तरह से इसमें एंट्री होती है और इसके बिना आपको पेट्रोल नहीं मिलता है। बाकी इसको बनवाने के लिए क्या क्या लगता है वो भी हम जानेंगे, बट हाँ ये काफ़ी यूनिक सा मुझे लगा। आई एम श्योर आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पेट्रोल कार्ड होता है, बट ये आइलैंड्स पे क्योंकि पेट्रोल उतना ज़्यादा नहीं होता है, डीजल उतना ज़्यादा नहीं होता है, सारे रिसोर्सेज की कमी होती है, तो यूटिलाइज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जो है हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ आके देखने को मिलता है कि कम रिसोर्सेज में भी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। शिप से आपका प्लान काफी सस्ते में तो हो सकता है, लेकिन कपल या फैमिली के लिए ये बिल्कुल भी आइडियल प्लान नहीं होता। लेकिन इसका एक बढ़िया ऑप्शन भी है और वो है समुद्रम पैकेज, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लक्षद्वीप घूमने का एक पूरा पैकेज है और ये कोची से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 3 आइलैंड घुमाए जाते हैं। ये 4 nights 5 days का पैकेज होता है और इसमें आपको दिन में आइलैंड पर घुमाया जाता है और नाइट में स्टे आपको शिप में ही करना होता है, जिसमें घूमना, कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और मील्स इंक्लूड होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि इसमें आपको परमिट नहीं लेना होता है और इसकी बुकिंग आप कुछ ऑनलाइन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स और समुद्रम की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप शिप से जाना चाहते हैं तो एडवांस में ऑनलाइन शिप की टिकट बुक करवा लें और फिर कोची के स्कैनिंग सेंटर से आपकी शिप चलती है, जिसमें पहले दिन आप कोची से कवरट्टी के लिए निकलेंगे, जिसमें आपको पूरे 19 से 21 घंटे तक लगते हैं, या अलग अलग शिप के अकॉर्डिंग ज्यादा समय भी लग सकता है। तो सुबह लगभग 11:30 बजे मैं पहुंच चुका हूं मिनी कुआए में और ये रही शिप अपनी। काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पर क्योंकि काफी जो पैसेंजर्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो यहाँ पे उतर गए हैं और मैं अब यहाँ मेरी को विजिट करूँगा। शिप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एक ही आइलैंड पर 2 से 3 दिन तक बिताने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगली शिप अगाटी के लिए 2 से 3 दिन बाद तक भी मिल सकती है। इसके बाद आप अगाटी में 1-2 दिन भी बिता सकते हैं और इस दौरान कालपेती और बंगाराम जा सकते हैं और फिर अगाटी से वापस कोची। शिप से आप अपनी आइटनरी शिप के शेड्यूल के हिसाब से ही फिक्स कर सकते हैं, लेकिन कई बार शिप मौसम की वजह से डिले या कैंसिल भी होती है, तो इसलिए शिप का प्लान केवल समुद्रम पैकेज के केस में ही फैमिली या कपल के लिए सही हो सकता है। हाँ, सोलो ट्रैवलर्स हैं या आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप शिप से जा सकते हैं। शिप से और भी आइलैंड विजिट किए जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ शिप के शेड्यूल पर ही डिपेंड करेगा। कुछ छोटी फेरीज भी चलती हैं, लेकिन इनका क्या शेड्यूल होता है ये आपको वहां जाकर ही पता चल पाता है।
लक्षद्वीप का एंट्री परमिट आपको स्पोर्ट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है, जिसका ऑफिस कोच्चि में है और फिलहाल ये ऑफलाइन ही मिलता है, जिसके लिए आपको अपने शहर में पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है। ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करवाने पर आपको बस पुलिस वेरिफिकेशन ही करवाना होता है और बाकी परमिट वो बनवा देते हैं। परमिट के लिए आपको लक्षद्वीप के लोकल रेजिडेंट का इनविटेशन होना चाहिए और हर आइलैंड के लिए अलग अलग परमिट लगती है, तो इस मामले में आपको ट्रैवल एजेंट्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगाटी आइलैंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंड है जनरेटर्स पर और जनरेटर से ही यहाँ पर लाइट आती है। ये ऑफिस है और यहाँ पर मैंने अंदर देखा है 5 बड़े जनरेटर यहाँ पर हैं और इधर ये ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इसी के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आपके रूम में अगर एसी वगैरह लगा हुआ है तो उसका उतना ही प्रयोग करें जितना आपको ज़रूरत हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इसी के थ्रू आती है। ये जनरेटर्स बड़े बड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 2x400 kW न्यू DG सेट्स इन पावर हाउस अगाटी, बिजली घर अगाटी, तो ये पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा। फ्लाइट से अगर आप ट्रिप करने का प्लान करते हैं तो आपका राउंड ट्रिप फ्लाइट का 12,000 रुपये, अगाटी आइलैंड में 2 नाइट का स्टे का 5,000 रुपये, बंगाराम में 1 नाइट स्टे का 10,000 रुपये और बंगाराम तक आने जाने का 5,000 रुपये लगता है। कुल मिलाकर आपका 1 पर्सन पर 3 nights 4 days की ट्रिप में 30,000 से 35,000 रुपये तक खर्च हो सकते हैं। वहीं शिप से समुद्रम पैकेज 2 क्लास में मिलता है, जिसमें गोल्ड क्लास के लिए लगभग 30,000 रुपये और डायमंड क्लास के लिए 40,000 रुपये पर पर्सन देने पड़ते हैं। अगर आप खुद से शिप से प्लान करते हैं और बंक बेड में ट्रैवल करते हैं और लोकल्स के यहाँ रुकते हैं तो 1,000 रुपये में भी स्टे मिल जाते हैं, और इस तरह भी अगर आप ट्रिप करते हैं तो आपकी ट्रिप 10,000 से 15,000 रुपये में हो जाएगी, लेकिन इस खर्च में बंगाराम कवर नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर लक्षद्वीप घूमना बिना ट्रैवल एजेंट्स की हेल्प के बहुत आसान नहीं है और ना सस्ता है, लेकिन नो डाउट मालदीव से काफी सस्ता है और यहाँ की स्कूबा मालदीव से काफी अच्छी है। तो एक शांत, खूबसूरत और एडवेंचरस ट्रिप के लिए लक्षद्वीप आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है।